हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि अपने YouTube वीडियो में एंड स्क्रीन कैसे लगाएं। दोस्तों एंड स्क्रीन लगाने का फायदा यह होता है कि अगर आपकी किसी वीडियो में अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं तो उसके लास्ट में आप किसी दूसरे वीडियो का थंबनेल लगा सकते हो, जिससे अगर कोई व्यक्ति आपके वीडियो को पूरा वॉच करता है तो लास्ट में दूसरे वीडियो का थंबनेल शो होता है, जिससे उस व्यक्ति को आपका दूसरा वीडियो अगर पसंद आएगा तो वह उस पर क्लिक करेगा, जिससे आपके दूसरे वीडियो में भी व्यू आना शुरू हो जाए। तो इस तरह से आप अपने दूसरे वीडियो में भी अच्छे खासे व्यू ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अपने YouTube वीडियो में एंड स्क्रीन कैसे लगा। दोस्तों आपको YT स्टूडियो ऐप की ज़रूरत पड़ेगा, कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो चलिए हमें अपने YouTube वीडियो में एंड स्क्रीन लगाने के लिए हमें अपने क्रोम पे चले जाना है। क्रोम पे चले जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है youtube.com, यहाँ पे सर्च कर लेना है youtube.com। उसके बाद दोस्तों इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है, यहाँ पे टच करना है डाउनलोड के ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, यहाँ पे डेस्कटॉप साइट दिया होगा, ये आपके में ऐसे अनक्लिक होगा तो इसे क्लिक कर लेना है, इसे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपका लोगो दिखाई देगा, यहाँ कॉर्नर पे यहाँ पे देख सकते हैं मेरा लोगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे योर चैनल पे क्लिक करना है, देख सकते हैं पहले नंबर पे योर चैनल, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, फिर आपको यहाँ पे कस्टम चैनल पे क्लिक कर देना है। कस्टम चैनल पे क्लिक करने के बाद अपने YT स्टूडियो में आ जाएंगे। YT स्टूडियो में आ जाने के बाद यह आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, YouTube अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इसे ऐसे जूम आउट कर लेना है और यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन शो हो रहा है दूसरे नंबर पे, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं दूसरा डेस्कटॉप ओपन हो चुका है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपके सारे वीडियो शो होने लगेंगे जो जो आपने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। जिस वीडियो पे आपको एंड स्क्रीन लगाना है उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस वीडियो पे एंड स्क्रीन लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पेंसिल के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे साइड में करना है, साइड करते हुए आना है, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एंड स्क्रीन का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपका वीडियो आ जाएगा। वीडियो आने के बाद यहाँ पे लेआउट दिया हुआ है, यहाँ पे एलिमेंट्स, तो आप किस तरह के एलिमेंट्स को लगाना चाहते हैं, कितने वीडियो लगाना चाहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ पहला, तो ये आपने एक लोगो लगा सकते हैं और एक वीडियो, और इसी तरह के दिए हुए, तो आप देख लेना आपको कौन सा अच्छा लगता है। मैं ये वाला लगा लेता हूँ, दो वाला। अगर आप एक एक करके लगाना चाहते हैं, यहाँ पे एलिमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्लिक कर देते हैं हम। और आपको जिस वीडियो को भी लगाना है उस वीडियो को यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा एक एंड स्क्रीन आ चुका है, वीडियो सब शो होने लगा है लास्ट में। तो आप इसी तरह से और लगाना चाहते हैं दोस्तों, आप इसमें चार वीडियो शो करवा सकते हैं। तो फिर से आपको एलिमेंट पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर वीडियो पर क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर यहाँ पे तीसरे नंबर पर क्लिक करना है, फिर आपको फिर सारे वीडियो शो होने लगेंगे, तो आप फिर से कोई वीडियो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए मैं फिर कोई वीडियो लगा लेता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों चैनल वेरीफाई कैसे करिए आ चुका है हमारा। तो दोस्तों इसे भी आप यहाँ पे सेट कर लेना है। दोस्तों इस तरह से आप दो और लगा सकते हैं इसमें, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अब आप उस वीडियो में एंड स्क्रीन शो होने लगेगा, जिससे आपके दूसरे वीडियो में भी व्यू अच्छे आने लगेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।